वेलकम बैक टू द सेकेंड वीडियो ऑफ माई ऑप्शन सीरीज एंड इस वीडियो को हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पहले वीडियो को हमने छोड़ा था। तो जस्ट एक बेसिक एक और छोटे से एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करते हैं एंड समझते हैं वापस से कि ऑप्शंस में कैसे काम चल रहा है। तो ICICI बैंक का एग्जांपल लिया था जिसका हमने इक्विटी मार्केट का जो प्राइस था दैट वॉज 409 एंड लॉट हमने देख लिया था फ्यूचर ऑप्शन के लिए 1375। एंड इम्पॉर्टेंट बात कि मंथली एक्सपायरी जो होती है यानी फ्यूचर ऑप्शन को आप कब तक रख सकते हो, तो एवरी मंथ का जो भी लास्ट थर्सडे होता है आप इसको वहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि दो लोग हैं, एक का नाम है बी फॉर बायर, एक का नाम है एस फॉर सेलर। तो ये दोनों दोस्त मिलकर बात कर रहे हैं कि यार ICICI बैंक मंथली एक्सपायरी पे जो है लेट अस से 430 रुपीज़ के लिए बात चल रही है। तो सेलर सेज कि यार ये मंथली एक्सपायरी के टाइम पे 430 रुपये के नीचे ही बंद होगा। ठीक है, बट द बायर सेज कि नहीं यार ये जो है ना मंथली एक्सपायरी पे 430 रुपये या उसके ऊपर जाके बंद होगा। सो दे बोथ बेट फॉर से 6 रुपये की ये लोग बेट लगाते हैं। ठीक है, तो 6 रुपये की बेट लगाते हैं इस बात पर कि इसका प्राइस ऊपर बंद होगा या नीचे बंद होगा। अब मार्केट की बेसिक टर्मिनोलॉजी में क्या होता है, ये जो बायर है और ये जो सेलर है जो प्रीमियम ये एक दूसरे के ट्रांजैक्शन के लिए दे रहे हैं, यानी कि सेलर 6 रुपये के लिए जो ऑर्डर डाल रहा है सेल कर रहा है और बायर जो 6 रुपये के लिए बाय कर रहा है, सो दिस थिंग विल बी कॉल्ड अ प्रीमियम। ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया। जिस प्राइस के लिए बेटिंग चल रही है या जिस प्राइस के लिए ऑर्डर डाले जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड अ स्ट्राइक प्राइस, यानी कि 430 रुपये जो है दैट विल बी कॉल्ड द स्ट्राइक प्राइस। करेक्ट, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया। और लॉट साइज़ है 1375, सो व्हेन द बायर वांट्स टू मेक द ट्रेड वो 6 रुपये का प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय 1375 रुपये जो लॉट साइज़ है, इतने रुपये जितने भी ये बनते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं 8250, सो लेट अस से कि वो 8000 रुपीज़ जो हैं का पेमेंट करेगा एंड दिस मनी विल कम टू द सेलर। करेक्ट, बिकॉज ये बेच रहा है ये खरीद रहा है, तो वेन यू बाय समथिंग आप जो सामान आपको वो बेच रहा होता है आप उसको वो पैसा देते हो, तो ये 8000 रुपये तुरंत उसके सेलर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, बायर के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज़ वॉट द बेसिक इज़ अबाउट द बाइंग एंड सेलिंग अबाउट ऑप्शन इज, बेसिक टर्मिनोलॉजी अबाउट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ऑप्शन इज। और अब हम ये देखते हैं कि बेसिकली ऑप्शन को अगर हमें 430 रुपये जो हमने बोला स्ट्राइक प्राइस, तो ये कैसे आता है एंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्ट्राइक प्राइस। तो दो तरीके से आप इसको कर सकते हो, वन इज़ कॉल्ड अ कॉल ऑप्शन। ओके, लेट मी राइट इट विद दिस, वन इज़ कॉल्ड अ कॉल ऑप्शन एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड अ पुट ऑप्शन, CE और PE। तो कॉल ऑप्शन के अंदर हमको ट्रेड कब करना है, जब हम ये सोचते हैं कि अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो मैं कॉल ऑप्शन को बाय कर लूँगा, जो कि यहाँ पे बायर के लिए सिनारियो था। ठीक है, सेलर के लिए सिनारियो था, मतलब जब इक्विटी का प्राइस फॉर एग्जांपल 409 रुपये है और हम उससे एक ऊपर वाले प्राइस की बात कर रहे हैं कि स्टॉक इससे ऊपर चला जाएगा, यानी कि स्टॉक 409 रुपये के ऊपर चला जाएगा, तो बायर ने जो 430 रुपये के लिए जो प्रीमियम की वैल्यू रखी है, तो ये जो 430 रुपये है ये यहाँ पर कहलाएगा स्ट्राइक प्राइस एंड फॉर द CE। तो यानी कि आपको मार्केट में टाइप करना पड़ेगा ICICI बैंक 430 का CE। अब ये मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे 409 रुपये अभी चल रहा है और आपको अगर ये ट्रेड लेना है ICICI 430 का CE, तो ये सितंबर का आप देख रहे हो 430 का CE जो है ये यहाँ पे ऐड हो जाता है, विच इज़ राइट नाउ रनिंग एट 9 रुपीज़, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। करेक्ट, तो इसी को मैंने यहाँ 6 रुपये का एग्जाम्पल के वे में आपको समझाने की कोशिश करी है कि अगर आप एक करंट मार्केट प्राइस से ऊपर के प्राइस अज्यूम कर रहे हो कि मंथ एंड तक वो प्राइस अचीव होगा या उसके भी पार चला जाएगा, तो आपको कॉल ऑप्शन के अंदर ट्रेड करना है। एंड अब इसका रिवर्स भी है, फॉर एग्जांपल आप सोचते नहीं यार ये 409 नहीं होगा, इंस्टेड दिस विल गो टू फॉर एग्जाम्पल 400। करेक्ट, तो अगर आपको 400 के लिए बेट करना है, अगर ये बायर बोलता है कि नहीं यार ये 409 से नीचे गिर के कम से कम 400 या उसके और नीचे जाएगा, तो ही हैज़ टू बाय अ पुट ऑप्शन ऑफ 400। करेक्ट,
एंड ये सेलर बोलेगा कि नहीं 401 तक आएगा लेकिन 400 के नीचे नहीं जाएगा, तो द सेलर विल सेल 400 की पुट एंड द बायर विल बाय 400 की कॉल, एंड इसका भी जो भी प्रीमियम होगा वो हम वापस यहीं पे दिखा देते हैं आपको। तो ये 11 रुपये 80 पैसे की इसकी पुट चल रही है, तो दे कैन अग्री ऑन 11.8, सो द बायर विल गिव 11.8 इंटू 1375 जो इसका लॉट साइज है, और उतना ही पैसा इमीडिएटली सेलर को चला जाएगा। अब इसमें होगा क्या, फॉर एग्जांपल ये ट्रेड उन्होंने 1 सितंबर को लिया एंड अगले 5 दिन में, क्योंकि आपका एक अजम्पशन हमेशा होगा, बायर हमेशा अगर ट्रेड ले रहा है तो वो सोच के ले रहा है उसकी अजम्पशन के हिसाब से, उसके एनालिसिस के हिसाब से कि नहीं यार ट्रेड पॉजिटिवली ऊपर जाएगा। ठीक है, पहले कॉल की रिस्पेक्ट में बात करते हैं, समझने के लिए बहुत आसान है। तो मैं ये पुट का जो एग्जांपल है यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो बायर अगर 430 की कॉल ले रहा है तो ऑब्वियसली उसका एनालिसिस है, उसके अपने रीजंस हैं, और वो ये सोच रहा है कि यार मार्केट तो पॉजिटिव ही जाएगा। तो 1 सितंबर को अगर ये ट्रेड लिया के फॉर एग्जांपल ये सेटअप था उसका एंड ही वाज थिंकिंग कि यार ऑलरेडी देखो ब्रेकआउट नंबर वन ये आ गया है, बहुत तेज़ी से ऊपर गया, अब ये थोड़ा कंसोलिडेशन है एंड देन एक और ब्रेकआउट आने का देर इज़ अ चांस, करेक्ट? तो ये अजम्पशन से शायद उसने ट्रेड लिया। एंड अगर ऐसा होता है कि पूरा महीना ख़त्म होने के पहले अगले 2-3 दिन में 5 या 10 रुपये तेज़ी से स्टॉक भागता है, तो भाई डेफिनेटली इसका नाम ही प्रीमियम है, मतलब कि लोग इसकी वैल्यू को जो है जज कर रहे हैं, करेक्ट? तो यहाँ पे हो सकता है ये प्रीमियम जो है 6 रुपये से बढ़ के 10 रुपये हो जाए, क्योंकि ये तेज़ी से बढ़ जाए तो लोग सोचेंगे कि अरे ये तो बढ़ रहा है तो लेट अस बाय दिस, इसके अंदर और अभी चांस है बढ़ने का। तो ये इसने ऑलरेडी 6 रुपये पे ले लिया, ही कैन सेल इट एट 10 रुपीज़ एंड 4 रुपये का जो प्रॉफिट है वो उसको आ जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, बिकॉज 4 रुपये प्रीमियम है इनटू द लॉट साइज अगेन, तो ये जो भी 4-5 हज़ार रुपये बनते हैं ये इमीडिएटली इसका प्रॉफिट हो जाएगा। बट दिस डज नॉट मीन कि सेलर का लॉस हुआ, बिकॉज मार्केट में मल्टीपल बायर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं एक ही पोजीशन, एक ही स्ट्राइक प्राइस के लिए बहुत सारे सेलर हैं, तो ये सेलर अभी भी होल्ड कर रहा है बिकॉज मैंने बोला कि शायद 5 या 10 रुपये, यानी मे बी ये 420 रुपये आया जिसमें बायर का प्रीमियम ऑलरेडी भर चुका है, तो ही कैन बुक अ प्रॉफिट, कोई और सेलर आएगा जो उसे 10 रुपये में ये बेच देगा एंड इससे ये वाले बायर का कंप्लीट हो जाएगा। बट ये सेलर का जो है ऑफकोर्स 4 रुपये नेगेटिव चलेगा, तो जो भी उसका लॉस है वो एक वर्चुअल लॉस है, वो कंप्लीट नहीं हुए। बट अगर बाय द टाइम एक्चुअली द एक्सपायरी कम्स एंड ये स्टॉक अगर 429 रुपये पर भी बंद होता है, तो स्लोली स्लोली वो जो 10 रुपये भी पहुंच गया था 6 रुपये से बढ़ के, जो 10 रुपये ये पहुंच गया था, ये इट विल कम बैक टू ज़ीरो। ठीक है, अब ये ज़ीरो पे क्यों आता है, बिकॉज उसके अंदर एक टाइम डीके लगता है, टाइम डीके वगैरह हम लोग आने वाले दिनों में डिटेल में समझेंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस टाइम डीके ये जो हमारा जो इनिशियल सेलर था, द फर्स्ट सेलर जिसने 6 रुपये में बेचा था, तो ये 6 रुपये पूरे अब उसको वापस मिल जाएंगे, वापस इन द सेंस कि पैसा ऑलरेडी उसके अकाउंट में है, उसका लॉस जो चला गया था एक बार वर्चुअली 10 रुपये पे पहुंच गया था वो नहीं लगेगा, एंड 6 रुपये इंटू 1375 जो भी 8,000 रुपये उसको इनिशियली बायर ने पे किया था, ये वाला पैसा ये उसके अकाउंट में ही रहेगा, उससे वापस नहीं लिया जाएगा। सो इन दिस वे ऑप्शंस के जो बेसिक्स हैं कि ऑप्शन काम कैसे कर रहा है, ऐसे इस तरीके से आप बेसिक समझिए कि अगर प्राइस तेज़ी से भागेगा तो ही आपको इसमें पैसा कमाने का चांस है, और अगर ये धीरे धीरे जाएगा तो हो सकता है इसमें बायर को लॉस हो। ऑफकोर्स इसमें एक प्रोबेबिलिटी होती है कि बायर ज़्यादा टाइम पैसा बनाते हैं या सेलर ज़्यादा टाइम पैसा बनाते हैं, वो अगेन हम आने वाले वीडियो में डिटेल में समझेंगे विदाउट विदाउट एनी डाउट्स, अगेन विद सम एग्जांपल्स एंड फ्यू थिंग्स। बट बेसिक इज कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, अगर आपको लगता है कि करंट मार्केट प्राइस से जो है प्राइस एक्सपायरी के टाइम तक या इमीडिएटली कुछ दिनों में ऊपर जाने वाला है, तो आप कॉल को बाय करेंगे। अगर आपको लगता है कि प्राइस जो है वो नीचे जाने वाला है करंट मार्केट प्राइस से, तो आप पुट को बाय करेंगे। ठीक है, दिस इज़ द सिंपल कंसेप्ट ऑफ बाइंग। अब इसका रिवर्स मैंने आपको ऑलरेडी जिस तरीके से रिवर्स हमने सीखना शुरू किया था, तो इसका रिवर्स क्या होगा, अगर आपको लगता है कि अभी 409 रुपये पे स्टॉक चल रहा है, ठीक है, बट 430 के ऊपर नहीं जाएगा, तो 430 की कॉल पे आप सेल कर सकते हो, करेक्ट?
उसके लिए अगर ऑफकोर्स आपका मार्जिन थोड़ा ज़्यादा जाएगा, वो आप अपने ब्रोकर के पास चेक कर सकते हो। एंड अगर आपको ये लगता है कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं थोड़ा सा एक मिनट स्पेस बना देता हूँ, और अगर आपको ये लगता है कि यार ये अभी 409 है पर ये गिरेगा, बट मे बी 400 के नीचे नहीं जाएगा, तो आप 400 की पुट को सेल कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा एग्ज़ाम्पल जो मैंने आपको पहले बोला, 430 की कॉल को सेल कर सकते हो। तो ये वाले दोनों जो केस हैं, ये हैं सेलिंग के केस, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सेल। तो आप पुट को कब सेल करते हो? व्हेन यू अज्यूम दैट द स्टॉक विल गो अप, ये थंब रूल है, इसको याद रख लीजिए। एंड आप कॉल को शॉर्ट कब करते हो? व्हेन यू आर अज्यूमिंग दैट द स्टॉक विल गो डाउन। तो अभी 409 चल रहा है, अगर 429 के ऊपर भी आके ये बंद हो जाता है एक्सपायरी वाले दिन, तो पूरा प्रीमियम आप रख लेते हो। और अगर ये 409 चल रहा है और ये 401 पे आके भी बंद हो जाता है एक्सपायरी वाले दिन, तो भी आप पुट सेलिंग के केस में पूरा प्रीमियम रख लेते हो, ठीक है। इस वीडियो को प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा, मार्केट का स्टॉक ऑप्शन रिलेटेड जो है कंसेप्ट, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमें ऑप्शन को बाय करना होता है और सेल करना होता है, किस सिनारियों में सेल करना होता है ऑप्शंस को या किस सिनारियों में बाय करना होता है। तो ये उसके बेसिक्स हैं, इसको प्लीज़ भूलिए मत, कंफ्यूज मत होइए। इस वीडियो को दो बार देखिए ताकि आपको डेफिनेटली सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। स्टिल अगर कुछ है तो मुझसे पूछिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। एंड आई रियली होप कि ये बेसिक्स जो हैं आपको क्लियरली एग्जाम्पल्स के साथ में दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। आई रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को कम से कम 25 लाइक्स दीजिए, सो दैट आई गेट टू नो कि दैट आप लोग जेन्युइनली सीखने में इंटरेस्टेड हैं, एंड आई कैन मेक मोर वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग से बेटर क्यों है, इवन दो मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बहुत इन डेप्थ एक कंसेप्ट बताऊँगा, जस्ट 10 मिनट का वीडियो छोटा सा बना के, कि ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग से बेटर क्यों है एंड कैसे है, एंड किस तरीके से आप एक कंसिस्टेंट मनी बना सकते हो मार्केट में, इवन अगर आप मतलब सिर्फ 1 से 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए तक लेके आप स्टार्ट करते हो, तो आप डेफिनेटली एक मंथली 15-20 हज़ार रुपये की इनकम इमीडिएट बेसिस पे स्टार्ट कर सकते हो। सो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड कीप मोटिवेटिंग मी टू मेक मोर वीडियोज। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज, अंटिल देन कीप योर टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस टाइट, एंड प्लीज़ इन वीडियोज़ को देखते रहिए। बाय बाय।